एविएशन स्टेडियम जामथा से। आज का पहला दिन का प्ले खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन 177 में ऑल आउट हो गए थे और इंडिया ने इन रिप्लाई 77 रन मार दिए हैं एक विकेट के नुकसान पे। केएल राहुल आउट हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक रैप देना चाहूंगा कि इस पूरे मैच के बारे में क्या हुआ, टॉस से लेके जिस तरीके से बातें चल रही थी पिच के बारे में, कैसा पिच होगा, किस तरीके का पिच होगा, रैंक टर्नर होगा या नहीं। रविंद्र जडेजा जिन्होंने 5 विकेट लिए, वो आए थे काफ़ी लंबे इंजरी ले ऑफ के बाद। 5 महीने बाद वो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे थे और उन्होंने 5/47 5 विकेट लिया। उनके करियर का 11वां 5 विकेट हॉल था ये। और जिस तरीके से हमने देखा टॉस जीतने के बाद, लग रहा था कि यह स्पिनर्स का बोलबाला ज़्यादा रहेगा और रहा भी। छठे ओवर में ही स्पिनर्स आ गए थे, लेकिन मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने इंडिया को बहुत ही अच्छी एक शुरुआत दी थी डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा को आउट करके। सिराज ने ख्वाजा का विकेट लिया, वहीं डेविड वार्नर का विकेट मोहम्मद शमी ने लिया। उसके बाद स्पिनर्स आए, रविचंद्रन अश्विन एज अर्ली एज 6th ओवर में इंट्रोड्यूस हो गया था। रविंद्र जडेजा ने एक छठा ओवर कराया, उसके बाद उन्होंने 22 ओवर कराए। रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। तो क्या कहना था रविचंद्रन अश्विन रविंद्र जडेजा का इस पिच के बारे में, मैं आपको बताऊंगा। जडेजा आए थे मीडिया प्रेस ब्रीफिंग में और उनसे पूछा गया था कि किस तरीके का पिच है ये, रैंक टर्नर है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसको हाइप अप कर रही थी। उन्होंने बोला रैंक टर्नर वाली कोई तो बात ही नहीं थी इसमें, पहले दिन के हिसाब से बिल्कुल एक ठीक विकेट था। हाँ, थोड़ा सा लो ज़रूर था और बाउंस भी थोड़ा कम था, लेकिन कोई रैंक टर्नर वाली बात इसमें नहीं थी, ये बताया रविंद्र जडेजा ने। और हमने यही देखा भी, यही हमने देखा जिस तरीके के विकेट्स रविंद्र जडेजा को मिले और जिस तरीके से विकेट्स ऑस्ट्रेलिया ने गवाए, ऐसा कोई भी ऐसा विकेट नहीं था जिसको आप देख के ये बोल सकते कि उस पिच की वजह से वो विकेट गए। एक प्रीडिटरमाइंड थॉट प्रोसेस को लेके ऑस्ट्रेलिया आई थी खेलने के लिए और वो बिल्कुल क्लियर था। दो एलेक्स कैरी रिवर्स स्वीप पे आउट हुए, पीटर हैंडसकम रिवर्स स्वीप पे आउट हुए। पीटर हैंडसकम का विकेट जिस तरीके का था, वो बिल्कुल ऐसा था कि उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि मैं स्वीप पे ही जाऊंगा और फुल डिलीवरी थी और वो आउट हो गए। स्टीवन स्मिथ का भी सेम, एक सीधी डिलीवरी थी, नेचुरल वेरिएशन एक था रविंद्र जडेजा का जो होता है उसको, उस पर बीट हुए थे स्टीव स्मिथ। सिर्फ एलेक्स कैरी और पीटर हैंडसकम ने ही थोड़ा बहुत गेम ऑस्ट्रेलिया को अपने तरफ बनाने की कोशिश की थी। एलेक्स कैरी थोड़े एग्रेसिव ज़रूर थे, लेकिन एक रिस्क टेकिंग अप्रोच था उनका, लेकिन एक काउंटर अटैकिंग अप्रोच जो इंडिया आगे देख सकती है। और हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से इंडिया ने शुरुआत की, रोहित शर्मा ने 3 चौके जड़े थे पैट कमिंस को, और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉस के अलावा और कुछ भी सही नहीं गया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी अच्छी शुरुआत थी उनकी, सिर्फ एक टॉड मर्फी को एक विकेट मिला, जहां केएल राहुल एक फुल डिलीवरी को सीधे टॉड मर्फी के हाथों खेल गए। नेथन लायन और टॉड मर्फी ने ज़्यादा बोलिंग किया, हालांकि पैट कमिंस और स्कॉट बोलर ने शुरुआत ज़रूर की थी। पैट कमिंस को काफ़ी रन पड़े थे और उनको स्पिन लेकर आना ही था, और नेथन लायन और टॉड मर्फी ने थोड़ा बहुत उन्होंने कंट्रोल किया था। और टॉड मर्फी इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, वो भी अपना डेब्यू कर रहे हैं, तीसरे प्लेयर थे इस मैच में जो डेब्यू कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सूर्य कुमार यादव एंड श्रीकार भरत। और उनको उनके लाइन एंड लेंथ और कंसिस्टेंसी की वजह से केएल राहुल का विकेट भी मिला। को डे 2 का पूरा अपडेट्स लेकर मैं आपके साथ कल ज़रूर जुड़ूंगा। तब तक आप क्रिकेट नेक्स्ट के साथ बने रहिए और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और याद रखिए क्रिकेट नेक्स्ट।